दोस्तों जरा गौर से इस जगह को देखिए, ये एक सिटी एरिया है। क्या आपको यहाँ पे कुछ भी अजीब लग रहा है? ओके, तो फिर इस जगह को देखिए, ये जगह एक विलेज एरिया है। और क्या आपको यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है? ओके, तो फिर इस जगह को देखिए, या तो ये। तो दोस्तों, इन सभी जगहों में एक कॉमन चीज बहुत ही मिसिंग है, जो कि आपको इंडिया में रोज देखने को मिलता है, वो है स्ट्रे एनिमल्स, जिसका मतलब होता है आवारा जानवर। दोस्तों, जितने भी पालतू जानवर रास्ते में घूमते हुए दिखते हैं, लाइक डॉग, कैट, काउ, ऑक्स एक्सेट्रा, जिनके कोई घर या तो मालिक नहीं होते हैं, उन जानवरों को आवारा जानवर या तो स्टे एनिमल्स कहा जाता है। इन आवारा जानवरों में सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो है डॉग्स एंड कैट्स। ऑलमोस्ट 70% डॉग्स एंड कैट्स आर होमलेस इन इंडिया। 2024 के रिपोर्ट के अनुसार जाना जाता है कि 60 मिलियन से भी ज्यादा होमलेस एनिमल्स जो के सड़कों पे रहते हैं, जहां सिर्फ 8.8 मिलियन जानवरों को एक फैमिली एंड घर मिलता है। लेकिन देखिए इस कंट्री को, यहां के रास्ते पे आपको एक भी आवारा जानवर जो के नहीं दिखता है। आप जानना चाहते हैं ये सारे आवारा जानवर एक्चुअल में है कहां पे? सो ये सारे आवारा जानवर यहां पे हैं, अपने अपने मालिकों के साथ अपने घर में हैप्पीली पीसफुली, जैसा कि उनको होना चाहिए। सो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूएसए ने कैसे स्टे एनिमल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, एंड उसी के साथ एनिमल कंट्रोल के सिस्टम यहाँ पे किस तरीके से काम करता है, एंड उसी के साथ चर्चा करेंगे कि इंडिया में स्टे एनिमल के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं एंड उनके सोल्यूशंस भी। सो आज के वीडियो में आप बने रहें, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ मालूम पड़ने वाला है। सो हेलो, वेलकम, नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टे एनिमल या तो आवारा जानवर, हम कुछ भी कहें, अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारे जानवर जो के हमारे डोमेस्टिक या तो पेट एनिमल्स ही है, लाइक एग्जाम्पल डॉग हो, कैट हो, काउ हो, ऑक्स हो या हॉर्स हो, ये सारे जानवर जो के डोमेस्टिक एनिमल्स ही है। सो सबसे पहले आपको एक चीज तो समझना पड़ेगा कि ये जानवर वापिस जंगल में नहीं जा सकते हैं, बिकॉज ये जानवर इंसानों के ऊपर डिपेंडेंट है, इंसानों के फैमिली के साथ, इंसानों के करीब, इंसानों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। सो आज इतने सारे जो आवारा जानवर रस्ते पे घूम रहे हैं बिना घर के, बिना ऑनर के, इनका रीजन है हम लोग, हम इंसान। बिकॉज एनिशियंट टाइम में जब हमें इन जानवरों का जरूरत था, तब हम इन्हें यूज किए, इन्हें पालतू बनाए, इनका ओनर बने, इन्हें जंगल से लाके हमारे साथ रहने में मजबूर किया, इनका यूज किया हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए। एंड आज हमें ये जानवर एक प्रॉब्लम जैसा लगता है, क्योंकि आज हमें इनका जरूरत नहीं है, लेकिन असल में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले तो हम ही है, तो हमें ही इसका समाधान करना भी पड़ेगा। यूएसए जैसे कंट्री ने इस बात को समझ लिया है, इसी के लिए आज इनके कंट्री में आवारा जानवर या स्टे एनिमल्स ना के बराबर है। यहाँ सभी डोमेस्टिक एनिमल खुश है अपने फैमिलीज एंड अपने ओनर्स के साथ। क्या आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज्यादा आवारा जानवर देखा जाता है इंडिया में, जिसमें से सबसे ज्यादा देखा जाता है डॉग। पूरी दुनिया में इंडिया ही है जहाँ पे स्टे डॉग्स का संख्या सबसे ज्यादा है कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, एंड इसके वजह से इंडिया में रैबिस डेथ की संख्या भी ज्यादा है कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। एक डेटा के अनुसार जाना जाता है कि दुनिया में हुए गए रैबिस मौतों में से 36% मामले जो के इंडिया में से ही होते हैं। इंडिया में हर साल 21,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत होते हैं रैबिस जैसे डेंजरस वायरस के वजह से, और जिसमें देखा जाता है कि 96% मामलों में कुत्ते काटने के वजह से रैबिस डेथ हुआ है, जहाँ पे 2% बिल्ली के काटने से, और कुछ हद तक बंदर या नेवला काटने से भी रैबिट डेथ का केस सामने आता है। दोस्तों, रैबिस जो कि एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, इस वायरस का होने का मतलब मौत है। इस वायरस से बचने का चांस लगभग नामुमकिन है। अगर ये वायरस किसी को लग जाता है एंड सिम्टम्स आना चालू हो जाता है, देन उसका 99% है कि उनका मौत हो जाएगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि रैबिस जो कि एक डेडलीस्ट वायरस है। दोस्तों, भारतीय शहरों में आवारा कुत्ते के वजह से बच्चों एंड बूढ़ों ने बहुत ही जान गंवाया है, जिसका एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूं। 2023 में बिहार में 9 औरतों का मौत हो जाता है एक मैन ईटर डॉग के वजह से। इसके अलावा भी फरवरी 19, 2023 पे हैदराबाद पे एक 4 साल के बच्चे को कई सारे डॉग मिलकर काटने के वजह से बच्चे का मौत हो जाता है, जो कि बहुत ही एक भयंकर एंड दुखद इंसिडेंट था। इसके अलावा भी कई सारे और भी इंसिडेंट है, अगर आप गूगल कर लेते हैं तो आपको इन केसेस के बारे में पता चल जाएगा। इन केसेस में जितने भी डॉग्स थे, ये सारे डॉग्स जो के रैबिस वायरस से कॉन्टेमिनेटेड थे, जिसके वजह से ये डॉग्स जो के एग्रेसिव हो जाते हैं एंड लोगों को काटना जो के स्टार्ट कर देते हैं। ये सारे केस जो के पुलिस फाइल में रजिस्टर है, जिसके वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे केस है जो के गाँव में होते हैं एंड जिसका कोई भी फाइल रजिस्टर नहीं होता है। और एक बात आपको समझना पड़ेगा, ये सिर्फ डॉग्स के वजह से ही नहीं होते हैं। कई बार सोशल मीडिया में देखा गया है कि बैल या गाय जो के लोगों को मार रहे हैं या दूसरे एनिमल लोगों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, तो इसका मतलब जितने भी स्टे एनिमल्स होते हैं कहीं ना कहीं कुछ कारण ये एग्रेसिव हो जाता है, ये जो के बच्चे और बूढ़ों के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। तो अभी आप सोचेंगे कि इन जानवरों को हमें
मार देना चाहिए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा 2001 साल से पहले सभी यही करते थे, जानवरों को, स्टे एनिमल्स को मार देते थे। लेकिन 2001 के बाद लॉ बनाया गया कि आप स्टे डॉग को मार नहीं सकते हैं, उसी के साथ अब्यूज करना भी एक क्राइम है। इसके लिए आपको बड़े अमाउंट का जुर्माना भी हो सकता है और उसके साथ जेल भी हो सकता है। सो एक्चुअल में हमें जो करना है वो है इन स्टे एनिमल्स को कंट्रोल करना, हमारे एनिमल कंट्रोल सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना, जिससे कि हम इन स्टे एनिमल्स में सबसे ज्यादा जो डॉग्स है उन्हें पहले कंट्रोल कर पाए। एंड इन्हें कंट्रोल करने के लिए हमें इनके प्रजनन सिस्टम को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे कि हम इनके अमाउंट्स को कंट्रोल कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सभी मेल डॉग्स को स्टेरिलाइज करना पड़ेगा, जिसका मतलब है नसबंदी करना पड़ेगा, जिससे के और नए बच्चे का प्रोड्यूस ना हो। लेकिन दुख की बात है कि इंडिया के नगर पालिकाओं के पास इतने पैसे नहीं है कि ये इन सिस्टम्स को चालू कर पाए, और सबसे बड़ी बात वो इन चीजों को सीरियस भी नहीं लेते हैं। अमेरिका का स्टे एनिमल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे जिनका सबसे बड़ा भूमिका है वो है एनिमल कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों 18th सेंचुरी के टाइम पे इंडिया जैसे अमेरिकन सड़कों पे भी स्टे एनिमल्स को देखा जाता था, ज्यादातर डॉग्स कैट्स यही देखने को मिलते थे। आज इंडिया में जिस तरीके का प्रॉब्लम स्टे एनिमल की वजह से हो रहा है उसी तरीके का प्रॉब्लम उस जमाने में भी देखा जाता था। इंडिया का शुक्र है कि इंडिया के सड़कों पे जो स्टे डॉग्स देखते हैं जो कुकार हो जाते हैं वो एक मीडियम साइज के ब्रीड होते हैं। लेकिन जस्ट सोचिए कि अगर अमेरिका में रहने वाले लार्ज ब्रीड के डॉग्स कुकार होकर स्टे एनिमल रहते थे तो कितना खतरनाक हो सकते थे। एक बार सोच के देखिए, पिटबुल, अमेरिकन बॉक्सर, हाउंड, हस्की जैसे ऐसे लार्ज ब्रीड के डॉग अगर कुकार हो जाते थे, रैबीज वायरस से संक्रमित होकर कुकार हो जाते थे तो कितने लोगों का जान वो ले पाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते, आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे। सो 18th सेंचुरी में इसी प्रॉब्लम के लिए एक बेकार लोगों के लिए नए जॉब का क्रिएट हुआ, जो था एनिमल कैचर जॉब, जहां पे आपको खोए गए एनिमल्स, डॉग्स एंड कैट को पकड़ के लाके अगर आप ऑनर को वापस करते हैं उसके वजह से आपको पैसा मिलता था। एंड अगर कोई खूंखार जानवर को आप मार देते हैं या तो पकड़ लेते हैं उसके लिए भी आपको पैसा मिलता था। सो इसी तरीके से अमेरिका में शुरुआत हुआ अनऑफिशियल तरीके से एनिमल कंट्रोल सिस्टम का। आज यूएसए के गवर्नमेंट ने एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी जो के ले लिया है, एंड ये एक ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब बन चुका है, जहां पे यूएसए के हर एक विलेज एंड टाउन पे एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट के ऑफिस क्रिएट किया गया है, जिनका काम है स्टे एनिमल्स को कंट्रोल करना एंड रस्ते पे जो भी एनिमल्स आपको दिखे उनको लाके एक शेल्टर हाउस में रखना। सो ये एनिमल कंट्रोल ऑफिस जो के एक एनिमल शेल्टर हाउस भी है, एनिमल कंट्रोल ऑफिसर्स के काम रहते हैं अगर कोई एनिमल्स के रिपोर्ट इनके पास आते हैं तो वो जाके उन जानवरों को, उन एनिमल्स को पकड़ के शेल्टर हाउस में ला के रखते हैं। अगर उनका कोई मालिक निकलता है तो उन्हें वापस कर दिया जाता है या तो उन्हें अडॉप्शन सेंटर में भेजा जाता है, जिससे कि उन्हें एक नया घर एंड एक नया फैमिली मिले। इसी तरीके से एनिमल कंट्रोल सिस्टम जो के रस्ते पे मिलने वाले हर एक स्टे एनिमल्स का एक पर्टिकुलर एड्रेस कर देते हैं। सो दोस्तों यूएसए में जो के एनिमल्स के लिए लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट है, स्पेशली जो के पेट ओनर्स रहते हैं उनके लिए भी लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है। अगर आप कोई भी पेट पालना चाहते हैं, अपने घर में कोई पेट रखना चाहते हैं, देन आपको वो पेट को रजिस्टर करना पड़ेगा आपके नाम पे गवर्नमेंट के पास से। देन उसके बॉडी में एक चिप भी सेट करना पड़ेगा, जिससे कि खोए गए पेट के ओनर्स का पहचान कर पाया जाए। इंडिया में स्टे एनिमल्स के संख्या ज्यादा होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है अपने पेट एनिमल्स को अबैंडन कर देना, अपने पेट एनिमल, अपने पालतू को रस्ते पे छोड़ देना। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार जाना जाता है कि हर 100 स्टे डॉग्स के अंदर 10 जो के पेट एनिमल्स भी होते हैं जिनको अबैंडन किया जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि ये अबैंडन किए गए पेट एनिमल्स जो के स्टे डॉग्स के साथ नहीं रह पाते हैं और आगे जाके जिनका जो के मौत हो जाता है। इसके अलावा भी कई सारे दोस्तों अदर एनिमल्स जैसे कि काउ, ऑक्स, कैमल, डोंकी एक्सेट्रा एनिमल्स को जो के आपको देखने को मिलता है, जिन्हें भी अबैंडन किया जाता है कई दूसरे रीजन के वजह से, जो के आवारा जानवर बन के रस्ते पे घूमने पे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों यूएसए में पेट अबैंडन करना जो के एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, जिसके वजह से आपको जुर्माने के साथ जेल भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप कोई पेट को नहीं रख सकते हैं देन आपको उसको एडॉप्शन पे देना पड़ेगा। आप खुद किसी को एडॉप्ट करने दे सकते हैं, जिसके वजह से आपको कुछ अमाउंट भी मिल सकता है, या तो आप अगर चाहे तो इन्हें जाके एडॉप्शन सेंटर में भी दे सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलता है। दोस्तों एक बात आपको जान लेना चाहिए कि यूएसए में पेट एनिमल्स का प्राइस जो कि बहुत ही ज्यादा है, एंड उसी के साथ पेट एनिमल्स के टेक केयर करने के लिए आपको खर्चा भी बहुत करना पड़ेगा। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको
बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने घर में कोई भी पेट एनिमल रखते हैं देन उनके सर्जरी, उनके मेडिसिन एंड उनके टेक केयर के लिए आपको इंश्योरेंस भी बाय करना पड़ता है। जैसे हम ह्यूमन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं, वैसे ही यूएसए में एनिमल्स के लिए भी इंश्योरेंस होता है। दोस्तों, यूएसए में पेट एनिमल्स के नसबंदी कर दिया जाता है जिससे कि इनके प्रजनन सिस्टम के ऊपर कंट्रोल कर पाया जाए एंड आगे जाके जो कि ये बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस ना करें। ज्यादातर ओनर्स जो कि ब्रीडिंग को स्किप करते हैं, बिकॉज अगर आप ब्रीडिंग करवाते हैं अपने पेट का, उसके बाद जितने भी बच्चे एंड पपीज जो कि आते हैं वो सारे आपके नाम के ऊपर रजिस्टर हो जाता है एंड उनके जितने भी लाइबिलिटीज मतलब खर्चे एंड कुछ भी एक्सपेंसिव रहेंगे तो वो सारे जो कि आपके ऊपर आ जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे एनिमल पालना जो कि बहुत ही खर्चदायक होता है, सो ज़्यादातर लोग जो कि एक ही या दो से ज्यादा एनिमल्स अपने घर में नहीं रखते हैं एंड उसी के साथ नसबंदी करवाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट या तो लो कॉस्ट में भी किया जाता है, बहुत सारे अमेरिकन स्टेट है जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर दिया जाता है। दोस्तों, हमारे कंट्री में भी स्टे एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए या स्टे एनिमल्स फ्री कंट्री बनने के लिए हमें नसबंदी के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। इंडिया में नसबंदी करवाने के लिए ऑलमोस्ट 5,000 से 7,000 जो कि खर्चा हो जाता है, तो इसी वजह से बहुत सारे पेट ओनर ये करवाना नहीं चाहते हैं एंड ऑल्सो ब्रीडिंग करने के बाद जो बच्चे होते हैं उनको सेल करके ऑनर्स जो के पैसे कमाने के भी सोचते हैं। तो अगर इंडिया के एनिमल हॉस्पिटल्स में ये फ्री ऑफ कॉस्ट नसबंदी किया जाए एंड उसी के साथ नसबंदी के ऊपर एक प्रॉपर लॉ क्रिएट किया जाए गवर्नमेंट के थ्रू, तो हम सभी पेट ऑनर्स के थ्रू नसबंदी जो के करवा पाएंगे एंड उसी के साथ इंडिया के एनिमल कंट्रोल सिस्टम अगर ज्यादा से ज्यादा इंडिया के स्टे मेल एनिमल्स को स्टेरलाइज या तो नसबंदी कर देते हैं तो हम जल्द से जल्द एक इफेक्टिव एंड फास्टेस्ट रिजल्ट जो के देख पाएंगे एनिमल कंट्रोल के ऊपर। तो दोस्तों, इंडिया में अगर हम 3 चीजों के ऊपर कायम करते हैं तो हम स्टे एनिमल्स फ्री कंट्री हम जो के हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमें हमारा एनिमल कंट्रोल सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दूसरा है कि लॉ जो के बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए पेट ऑनर्स के लिए एंड देन ऑल्सो जो के पेट ऑनर ब्रीडिंग करते हैं एंड ब्रीडिंग करने के बाद बच्चों को पपीज को सेल करते हैं एंड तीसरा जो के सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्टेरलाइजेशन, नसबंदी करवाना पड़ेगा आवारा कुत्तों के या तो आपके पेट एनिमल्स के भी, जिससे रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम को हम कंट्रोल कर पाए एंड जिससे कि आवारा कुत्ते एंड आवारा एनिमल्स के गिनती ना बढ़े। दोस्तों, हमारे इंडिया में कई सारे एनजीओज है जो कि ये सब काम कर रहे हैं और वो और भी अच्छे से ये काम कर पाएंगे अगर हम सभी उनको सपोर्ट करते हैं एंड इसके साथ हमारे गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए। दूसरे अदर कंट्रीज ऑलरेडी स्टे एनिमल्स को ऊपर कंट्रोल कर चुके हैं, कुछ कंट्रीज तो ऐसे भी हैं जो कि स्टे एनिमल्स फ्री हो चुके हैं एंड आई एम श्योर अगर इंडिया के गवर्नमेंट चाहे तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है, अगर चाहे तो। एंड उसके साथ सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो के आता है आपके ऊपर, हम साधारण लोगों के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहना चाहूंगा, हो सके तो आप एक एनिमल को अडॉप्ट करिए इंस्टेड ऑफ बाय एंड सेकंड, अगर आप कोई एनिमल्स को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं तो देन आपके तरफ से कुछ पैसे का खर्च करके अपने गली के मेल डॉग्स को स्टेरलाइज या तो नसबंदी करवा दीजिए जिससे कि इनके रिप्रोड्यूस होने का सिस्टम खत्म हो जाए। हो सके तो मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आपके अड़ोस पड़ोस के जो कुत्ते रहते हैं उनके ऊपर आप रैबिस के टीकाकरण जरूर करें जिसके वजह से आपके बच्चे एंड बूढ़े नेक्स्ट डॉग बाइट के शिकार नहीं होंगे। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं आपके सजेशन कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। उसके साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। मेरे नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो आज के वीडियो में इतना ही, आपसे मिलूंगा फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर लव्ड वंस।